हेलो हाय गाइस, वेलकम टू एस प्राइंग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के। दोस्तों आज हम आपके लिए गए हैं डोमिनोर। जैसे कि पूरी सीरीज चल रही है डोमिनोर के, पार्ट्स आने कंप्लीट आपने देख लेंगे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट के अंदर इसके अंदर स्विंगम डाला था, चेसिस सेट करी थी और चेसिस के अंदर इंजन को बैठाया था, तो वो आपने कंप्लीट पूरी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो फटाफट से जाओ पहली वीडियो देखो, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो देखो। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा इसी वीडियो के अंदर, और मैं बता दूं। सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ है, दोनों टायरों को इंस्टॉल किया है और दोस्तों साथ में इसके अगले पिछले दोनों साइलेंसर को फिट किया गया है, तो वो कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं सब कुछ यहीं बता दूँ तो आपको कैसे पता लगेगा कि वीडियो के अंदर कितनी सारी दिक्कतें आई थी जो हमने सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करें। तो फाइनली गाइस ये रहा मेरे हाथ में मोनोशोको और कौन सा इसमें चेनसेट डालने जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट बाइक जो है पूरी रेडी। चलिए दोस्तों जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, हमने बाइक यहाँ तक रेडी कर दी थी, आगे शोकर तैयार हो गए थे, इंजन लग गया था। दोस्तों आज जो इसका जो ये पार्ट है इसमें हम आएंगे पीछे का स्विंग आर्म। जैसे आपको पता है पीछे से कोई बाइक खाली पड़ी है तो स्विंग आर्म में आएंगे। दोस्तों ये रास्ते में स्विंग आर्म देख लो बजाज का, और इसको देखने से पहले एक बार आप पुरानी कंडीशन देखो। दोस्तों ये पुराना वाला स्विंग आर्म है, पूरा अच्छी तरह गल गया, ये देखो यहाँ से नीचे से ऊपर तक। और बात करें दोस्तों ये देखो सबसे डेंजर जगह तो मुझे ये लगा, एकदम खत्म है। ठीक है तो ये देख लिया, तो देख लिया पुराना, अब निकाल के नए वाले सिंगाम को। तो इसके अंदर नया वाला पैक है और भारी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा भारी है। इस तरीके से पैक आता है बजाज के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी हर वीडियो के अंदर आपको तो पार्ट जो सारे के सारे ओरिजिनल ही आपको नजर आएंगे। कोई भी डुप्लीकेट पार्ट वगैरह का हम कोई भी यूज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिनल की पहचान क्या है और ओरिजिनल का काम क्या है। तो चलिए दोस्तों जैसे कि आपने इसे पिछले पार्ट में देखा था, हमने भाई यहाँ तक रेडी कर दी थी, आगे शोकर तैयार हो गए थे, इंजन लग गया था। दोस्तों आज जो इसका जो ये पार्ट है इसमें हम आएंगे पीछे का स्विंग आर्म। जैसे आपको पता है पीछे से कोई बाइक खाली पड़ी है तो स्विंग आर्म में आएंगे। दोस्तों ये रास्ते में स्विंग आर्म देख लो बजाज का, और इसको देखने से पहले एक बार आप पुरानी कंडीशन देखो। दोस्तों ये पुराना वाला स्विंग आर्म है, पूरा अच्छी तरह गल गया, ये देखो यहाँ से नीचे से ऊपर तक। और बात करें दोस्तों ये देखो सबसे डेंजर जगह तो मुझे ये लगा, एकदम खत्म है। ठीक है तो ये देख लिया, तो देख लिया पुराना, अब निकाल के नए वाले सिंगाम को। तो इसके अंदर नया वाला पैक है और भारी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा भारी है। इस तरीके से पैक आता है बजाज के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी हर वीडियो के अंदर आपको तो पार्ट जो सारे के सारे ओरिजिनल ही आपको नजर आएंगे। कोई भी डुप्लीकेट पार्ट वगैरह का हम कोई भी यूज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिनल की पहचान क्या है और ओरिजिनल का काम क्या है। तो जैसे आप देखो ये सिंगाम है इसके अंदर आ गया दोस्तों, और ये चेक करिए सिंगाम के अंदर आखिर क्या क्या आता है, इतना महंगा आइटम है तो इसके अंदर पार्ट जो कितने पार्ट आते हैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने सिंगाम को बाहर निकाली, ये देखिए तो सिंगाम के अंदर सबसे दोस्तों बात करो कुछ ऐसी कंडीशन में होता है, देखो एकदम चमचमा तो नया। और बात करो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से पार्ट नहीं आते, क्योंकि ये पार्ट से काफी महंगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है जो हमें पुराने ही लगाने पड़ेंगे और नई कंपनी ने नहीं किए। सबसे तो बात करो तो इसके अंदर होता है चैन स्लाइडर, चैन स्लाइडर अलग से परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे होते हैं बैरिंग जिससे झूले के बुश, तो वो भी इसके अंदर नहीं आए हुए, देखो तुम खाली है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए ठीक है आया खाली स्विंगाम। और दोस्तों बात करें चेन एडजस्टर का जो नट होता है वो भी इसमें नहीं आया, देखो कुछ भी नहीं, खाली ये जो है खाली स्विंगाम आया हुआ। इतना महंगा है और कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर, तो हमें सारी की सारी चीजें जो है पुरानी लगानी पड़ेंगी। ये देखिए ये जो है झूले के बुश वगैरह इसके अंदर है, रबड़े वगैरह ये सब यही लगाने पड़ेंगे। ठीक है चलिए उसको सिंगाम लगाने की तैयारी करते हैं और सब कुछ निकालते हैं पुराने में से, फिर फिट करते हैं नए वाले सिंगाम के अंदर। यहाँ पे जो झूले के बुश थे वो लगा दिए हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो सिंगाम के अंदर ये चैन सेट कम्प्लीट फिट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक्स के बैठ चुके हैं। ठीक है तो चलिए यहाँ पे सीधा इसको फिट कर लेते हैं, शॉकर को आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो ये है शॉकर, इसका उसकी हालत कितनी ज्यादा बुरी है और ये लीक हो रहा है। अभी फ्लैट टेम्परेरी शॉकर को लगा लिया, तो फाइनली गाइस यहाँ पे ना हमने टेम्परेरी शॉकर लगा लिया। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें अभी टेम्परेरी शॉकर लगाएंगे, क्योंकि हमें कस्टमर से बात करनी पड़ेगी कि इस शॉकर को चेंज करना है या नहीं करना है। और मुझे जैसा कि लग रहा है ये काफ़ी पुराना है और इसे अगर मैं पेंट भी करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो मुझे लगता है इसे चेंज करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ कस्टमर से, चलो वो तो बाद में पता लगेगा कि चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन इससे पहले करते हैं आगे की तरफ। जो हमारा फ्रंट टायर है उसे लगा लेते हैं, यहाँ पे टायर लग जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे टायर, और फिर उसके बाद देखते हैं साइड स्टैंड लगाते हैं या फिर साइलेंसर लगाते हैं या फिर पीछे का टायर, वो कम्प्लीटली आपको पता लगता रहेगा वीडियो में जैसे जैसे काम करेंगे। चलिए दोस्तों फटाक से लगाते हैं टायर। फाइनली गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना टायर लग चुका है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले लग चुकी है, और ये जो ABS प्लेट आप देख रहे हो ये मैंने नई डाली है, क्योंकि उसे पेंट कराने का कोई फायदा नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मडगार्ड है, यहाँ पे जो 5 नंबर एलिंकी का लगता है पेज वो रह गया, अभी इसकी टेपिंग वगैरह उतारते हैं और फिर मडगार्ड को अच्छे तरीके से लगाते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है आगे से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, अभी हैंडल वगैरह बाकी है तो वो देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और जैसे भी हो वो आपको पता लग जाएगा।
तो यहाँ से होता है कंप्लीट। अब चलते हैं बैक साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो हमने मोनो शोकर जो बात करनी है कस्टमर से कि आखिर इसका करना क्या है, क्योंकि ये दोस्तों गाड़ी के साथ क्या, जब से गाड़ी है 2017 मॉडल गाड़ी है और ये गाड़ी के साथ के शोकर है और इसकी जो हालत ना बहुत ज्यादा खराब है और थोड़ा बहुत लीकेज भी है, लेकिन ज्यादा देखा जाए तो डस्ट वगैरह अच्छी तरीके से पकड़ लिया। तो इसलिए क्या करेंगे, कस्टमर से हमारी बात होगी तो यहाँ पे चेंज करेंगे मोनो शोकर इसका। तो मैं एक बार आपको इसका नया मोनो शोकर दिखाऊं। ये रहा मेरे हाथ में मोनो शोकर और देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका शोकर लगाएंगे और शोकर लगाने के बाद टायर लगाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि मोनो शोकर आपको नजर आ रहा है चमचमाता हुआ एकदम ब्रांड न्यू, तो ये हमने इसके अंदर नया लगा दिया। ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है, देखो थोड़ा यहाँ से पीछे की तरफ से देखो, पहले कितनी बैठी हुई बाइक थी अब एकदम से उठी उठी सी लग रही है और एकदम क्रूज वाला, मतलब आगे से ऊँची पीछे से थोड़ी नीची, क्या मस्त लग रही है एकदम, देखो एकदम बेहतरीन। आगे वाला टायर जैसे कि कंप्लीट हो गया ये, अब पीछे वाला क्या मोनो शोकर लगी गया है। तो अब क्या करेंगे, पीछे वाला जो व्हील रखा हुआ है यहाँ पर हमने इसको डालेंगे और प्लस इसके अंदर जो है नया चैनसेट डालेंगे, और इसके चैनसेट की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी जैसे कि आपने पहले पार्ट में देख लिया होगा। तो यहाँ पे नया चैनसेट डालते हैं और पीछे वाला व्हील को फिर यहाँ पे फिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना पीछे वाला व्हील कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट किया अभी आधा हुआ है। और बात करें डिस्प्ले की, जैसे कि आपको नजर आ रही है डिस्प्ले पूरी पेंट से पोत दी है, करना इतना हिस्सा था बट इतना हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। जैसे कि मैंने ABS प्लेट फ्रंट में नहीं लगाई थी, वैसे मैंने रियर में ABS प्लेट न्यू लगा दी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चैनसेट की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कपलिंग रबड़ लगी होती है, तो वो कपलिंग रबड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्ले थी, तो वो कैसी प्ले थी वो मैं आपको चेक करा दूंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कपलिंग रबड़ इसकी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो चैन सेट जो हम रोलन का डालते हैं, या तो नॉर्मल डालते हैं या फिर ब्रास डालते हैं, जैसा कस्टमर का बजट हो, लेकिन हम इसके अंदर नॉर्मल डालेंगे क्योंकि बाइक को बिल्कुल स्टॉक की तरह बनाना है, क्योंकि जो डोमिनोर के अंदर जो चैन सेट आता है वो भी रोलन का ही आता है, तो इसलिए हम भी रोलन का ब्रास का छोड़ के नॉर्मल वाला चैन सेट डालेंगे। तो ये चैन सेट डालेंगे प्लस इसके साथ जो कपलिंग रबड़ की मैं बात कर रहा था, ये देखो ये रही वो कपलिंग रबड़ जैसे आपको नज़र आ रही है, तो इसको फिट करते हैं सीधा और फिर टायर लगाएंगे, और टायर लगाएंगे साथ में चैन सेट लगेगा, तो कंप्लीट करते हैं और फिर सीधा आपको हम दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट बाइक जो है पूरी रेडी होने वाली है और हो ही चुकी है। जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हो अलॉय व्हील कंप्लीट लग चुका है, पीछे जो है कैलिपर लग चुका है, अभी लूज़ रखा है क्योंकि अभी छोटे मोटे जैसे काम आएंगे, साइलेंसर लगना है अभी बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया इस तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं आपको जो मैं बता रहा था कि इसके जो है कपलिंग रबड़ में दिक्कत है, और तो वो चेंज करने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत थी। देखो जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं ना तो इसमें एक प्ले नहीं आनी चाहिए, दो रबड़ पार्ट होता है ना उसमें गैप आ जाता है जिसकी वजह से प्ले होता है, जब गियर डालते हैं ना खटक करके एक आवाज़ आती है, तो नई वाली गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं आती, तो वही वाला फील देना, नई वाली गाड़ी नई जैसी ही बना रहे हैं तो कोई भी इसके अंदर कमी नहीं छोड़ेंगे जो दिक्कत लगे। तो इसलिए ये जो है कपलिंग रबड़ यहाँ पर चेंज कर दिया, नया चैन सेट डल चुका है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये रहा शोकर चमचमाता हुआ, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर मेन काम है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो जो ये सहारा लेके खड़ी हुई है पैडॉक का, तो हम चाहते हैं इसमें साइड स्टैंड लग जाए एक बार, ताकि ये अपने स्टैंड पे अपने पैर पे खड़ी हो जाए। फटाफट से इसका स्टैंड लगाते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ये है साइड स्टैंड का ब्रैकेट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने पेंट कराया था क्योंकि ये ब्रैकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, और देखो इसमें कुछ बिगड़ा भी नहीं है, इसको अच्छे से रेगमाल मारा बढ़िया करके साफ करा, क्योंकि लोहे का पीस है और इस ब्रैकेट में मुझे कहीं से भी कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेंट करा दिया जाए और जितने पैसे हो सकते हैं बचा लिए जाए। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसका जो है पेंट कराया, इस ब्रैकेट को हमने पेंट कराया। और अब बात करते हैं इसके साइड स्टैंड की। दोस्तों साइड स्टैंड में बहुत ज़्यादा जंग लगा पड़ा था जैसे कि आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं लास्ट में वीडियो में आपको एक बार दिखा दूंगा इसका साइड स्टैंड की क्या हालत थी। और अभी जो हमने साइड स्टैंड मंगाया, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो GF से पार्ट नंबर से डोमिनोर का साइड स्टैंड आया, और ज़्यादा महंगा नहीं है इसलिए हमने उसको पेंट ना करा के साइड स्टैंड नया ही खरीदना बेस्ट समझा, क्योंकि वो जो साइड स्टैंड है बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, तो इसलिए हमने ये नया साइड स्टैंड खरीद लिया। और देखो ये रहा नया वाला साइड स्टैंड, ब्रैकेट को और साइड स्टैंड को कंप्लीट फिट करते हैं और फिर सीधा बाइक के अंदर स्टॉल करते हैं। सो फाइनली गाइस डोमिनोर अपनी पैरों पर खड़ी हो चुकी है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है साइड स्टैंड लग गया है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है बढ़िया। और अभी जो है पैडों हटा देंगे, इसको साइड स्टैंड पे लगा देंगे, क्योंकि ये अब अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, ठीक है। जो साइड स्टैंड का काम था वो कंप्लीट हो गया, बाकी का इसका बोल्ट सुबह लगेगा। और बात करें साइलेंसर की, तो साइलेंसर भी सुबह मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रात के बज गए 10 और हो गया घर जाने का टाइम। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे मॉर्निंग। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ना पीछे वाला साइलेंसर लग चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट वाले साइलेंसर की। जैसे कि आपको पता होगा जो फ्रंट वाला साइलेंसर होता है उस पर बहुत ज्यादा रस्ट जम जाती है, काफी ज्यादा बाइकों में अक्सर देखा है। तो दोस्तों जैसे कि हम पूरी बाइक नया बना रहे हैं, उसके साथ साथ जो साइलेंसर है उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तो उसको नया करेंगे। और नया करने के लिए दोस्तों इसके ऊपर पेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पेंट तो टिकेगा ही नहीं, तो इसलिए हम पेंट नहीं करेंगे उसको। क्या करेंगे, हम इसे साफ करेंगे, और कैसे करने वाले उससे पहले, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा रस्ट पकड़ चुका है। देखो ये रखा हुआ यहाँ पे, तो ये देखिए, ये देखो, तो ये साइलेंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए रस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे भी, और कैसे साफ होगा वो दिखा देंगे। ये कोई पेंट नहीं है, डीजल है ये जो लग गया था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ बढ़िया करके क्लीन होगा, और उसके बाद सीधा बाइक में इसे फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं क्लीन। तो यहाँ पे जो है साइलेंसर को क्लीन करा जा रहा है। ये सबसे सही तरीका है और सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें जो धुआं उड़ रहा है ना, ये सांस नहीं ले सकते, बहुत खतरनाक है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो साइलेंसर है फ्रंट वाला, अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, अख्तर भाई ने बहुत मेहनत करी इसमें और बढ़िया करके से एकदम चमका दिया आगे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस्ट आया हुआ था। और अगर पूरी बाइक एकदम नई लग रही होती और अगर आगे से देखते साइलेंसर को जंग लगा हुआ है, तो कितनी गंदी लगती ना बाइक, इसलिए जितना हो सकता है उतना चमका दिया इसको। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, फिट हो जाएगा एकदम, और फिर कंप्लीट करके सीधा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ना ये साइलेंसर लग चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये देखो। तो ये साइलेंसर जो है यहाँ पे फिट कर दिया है, और इसके जो इंजन के नट बोल्ट है वो भी टाइट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है साइलेंसर का काम कंप्लीट होता है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जो काम कर रहे हैं ना हम, तो अब दिल को तसल्ली मिली है कि धीरे धीरे जो है बाइक पूरी बनने वाली है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग से इसके सारे पार्ट देख लिए हैं, और जो आज जो हमने काम किया इसमें साइलेंसर लगा दिया है, और काफी जो काम है मैं आपको दिखा चुका हूँ। और जो अगले काम होने वाले हैं वो वायरिंग के ऊपर होने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं अभी। मतलब कहें तो 50% जो है बाइक तैयार हो गई है, और 50% अभी रह गई है, जैसे कि बॉडी वगैरह, हैंडल वगैरह, लैम्प सेट। जैसे आप पूरी वीडियो में देख रहे होंगे कि ये यहाँ से गायब है, तो यहाँ पे लैम्प सेट है जो अभी आया नहीं है, वो भी आना बाकी है, तो वो भी लगेंगे, यहाँ पे हैंडल भी लगेगा, और पूरी बाइक रेडी होगी, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।